बीजीएमआई के अंदर टायर प्रोटेक्शन विद फ्रेंड्स करके एक इवेंट आया है। इस इवेंट को लेकर बहुत से बंदों को डाउट है कि ये चीज़ एस पे प्लस नहीं होती है या फिर वर्क नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये चीज़ आपके में वर्क क्यों नहीं कर रही एंड कर रही है, तो कैसे कर रही है, मतलब इसका करने का तरीका कैसे, काम कैसे करता है, एंड आपके डिवाइस में अगर ये चीज़ वर्क नहीं कर रही तो आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हो कि आपके डिवाइस में भी वर्क करे, सब कुछ सुनो वो बात करने वाले। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे इवेंट में चलते, इवेंट में यहाँ पे आपको इवेंट दिखा देता हूँ एंड इसका नॉर्मल सा फंडा बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देख सको इवेंट में यहाँ पे टायर प्रोटेक्शन विद फ्रेंड्स है। यहाँ पे कुछ बंदे के अंदर डाउट है, जिसके मतलब पिछले वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई ये चीज़ सोलो में वर्क करती है कि नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई सीधा लिखा है टायर प्रोटेक्शन विद फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब भाई फ्रेंड ही होता है, आपको अपने दोस्त के साथ ही खेलना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक सोलो प्लेयर हो तो भाई ये जो इवेंट है आपके किसी भी काम का नहीं है। ये जो इवेंट आया है सिर्फ और सिर्फ डीओ एंड स्क्वाड प्लेयर के लिए। मतलब अगर आप डीओ या फिर स्क्वाड खेलते हो तो भाई आपके लिए 5 मैच माइनस नहीं होने वाला। एंड ये 5 मैच कैसे नहीं माइनस होंगे, सपोज कि अगर आप 10 मैच खेलते हो तो 5 मैच में आप उतरते ही मर जाते हो, एंड आगे के 5 मैच या फिर पीछे के 5 मैच जो भी हो, मतलब आपके 5 मैच में अच्छा खासा सर्वाइव कर जाते हो। तो ये सिर्फ 5 मैच आपका रोकेगा, मतलब 5 मैच आपका माइनस नहीं होने देगा, उसके बाद के जितने भी आप मैच खेलने वाले हो वो माइनस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग के 5 मैच आपके माइनस नहीं होने देगा, ये सिर्फ इतना है कि आपके 5 मैच माइनस नहीं होने देगा, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग के सिर्फ। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप टायर प्रोटेक्शन कार्ड यूज सॉरी मतलब रेटिंग प्रोटेक्शन आप यूज करते हो, उसको यूज करने पे जिस मैच में आपका माइनस लगता है वो उसी मैच में यूज होता है। मतलब आप अगर आप यहाँ पे अपना रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड इनेबल कर देते हो एंड आप मैच में जाते हो, आप तुरंत मर जाओगे तो आपका कार्ड यूज हो जाएगा। बट अगर आप मरते नहीं हो, आप पूरा मैच चिकन कर लेते हो, उसके बाद वो जो आपका कार्ड है वो यूज नहीं होता है, किस लिए आपका मैच माइनस नहीं लगा है इसलिए वो यूज नहीं हुआ है। तो वही सीन यहाँ पे भी होने वाला है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये एक वर्क कैसे करता है। अब बात करें तो कुछ बंदे को और भी डाउट है। यहाँ पे कुछ बंदे कमेंट कर रहे हैं भाई हमारा क्राउन एंड एस पे ये चीज़ मतलब वर्क नहीं कर रही है, टायर प्रोटेक्शन इवेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं भाई इवेंट में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को चेक कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट बटन के बाजू में यहाँ पे जो ये साइन बचा है, मतलब साइन बना हुआ है ऐसा मार्कर के हेलमेट छपा हुआ है। तो ये अगर आपके इनेबल है, मतलब यहाँ पे आपके डिवाइस में शो हो रहा है, तो मतलब इतना आप समझ सकते हो कि जो रेटिंग प्रोटेक्शन इवेंट है ये चीज़ अभी आपके मतलब बचा हुआ है। 5 मैच में से आपके कुछ मैच बचे हुए, तो ये आप इवेंट में जाकर चेक कर सकते हो कितना मैच आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ हट जाएगा स्टार्ट बटन के बाजू से, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये जो चीज़ है अभी मतलब आपका डिवाइस में हट चुका है एंड आपका माइनस लगेगा। मतलब ये अगर आपको सिंबल ना दिखाई दे पीला वाला, तो समझ जाना कि आपके मैच में माइनस लगने वाला है। एंड ये जो सिंबल है सिर्फ और सिर्फ 3 सिचुएशन में दिखाई देती है। फर्स्ट तो ये जो इवेंट आया है टायर प्रोटेक्शन इवेंट विद फ्रेंड के साथ, इसके अंदर दिखाई देगा। एंड सेकंड अगर आप रेटिंग प्रोटेक्शन इवेंट यूज कर रहे हो उसके अंदर, एंड जो हमारा थर्ड पोजीशन है मतलब थर्ड सिचुएशन है इसके अंदर अगर आप यहाँ पे अपना रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड यूज करते हो तो भी ये चीज़ दिखाई देगी कि मतलब आपका मैच में माइनस नहीं लगेगा। तो इन तीनों सिचुएशन में ये चीज़ आपको स्टार्ट बटन के बाजू में दिखाई देती है। अगर ये आपके डिवाइस में नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि आपका जो इवेंट है वो यूज हो चुका है, मतलब आपने अपना टाइम खराब कर दिया है। तो अगर आप इसको चाहो तो इवेंट में जाकर चेक कर सकते हो, इवेंट में आपको दिखाई दे जाएगा, वहां पे आपको गो का ऑप्शन दिखाई देगा अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड कंप्लीट हो जाने के बाद वहां पे आपको कलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड बात कर लेते हैं भाई हमारा एस और क्राउन टायर पे ये चीज काउंट क्यों नहीं हो रही, भाई एस और क्राउन टायर पे भी ये चीज मतलब काउंट होता है। एंड कैसे नहीं हो रहा है मैं आपको बता देता हूं आपके डिवाइस में क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ नहीं यार, सिंपल सा फंडा है। जैसे आप ब्रॉन्ज पे भाई अगर आप एक किल भी कर देते हो तो आपका यहाँ पे 41 प्लस हो जाता है, या फिर अगर ब्रॉन्ज पे आप उतरते हैं तुरंत मर जाते हो तो यहाँ पे फिर भी आपका 15-20 प्लस कर देता है। एंड यहाँ पे आप क्राउन एस पे तो भाई अगर आप यहाँ पे मतलब टॉप 40 टॉप 30 तक नहीं आते तब तक आपका यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो यही चीज़ होता है कि आपके मैच के अंदर एंड यहाँ पे आप उतरते मर जाते हो या फिर आपका ये जो कार्ड है यूज हो चुका है एंड आपको इस इवेंट के बारे में पता चलने से पहले आपका जो इवेंट का टाइम है मतलब 5 बार आपने अपना कार्ड यूज कर लिया है, ये चीज़ आपका एक्सपायर हो चुका है। तो मतलब आप यहाँ पे अब नेक्स्ट डे ट्राई करना, मतलब आप कल आना अपने गेम के अंदर एंड कल यहाँ पे आप नोटिस करना, आप इवेंट में जाके चेक कर लेना, वहाँ पे 5 बार बचा होगा। आप जितने मैच में तुरंत मरना आप जाके वहाँ पे चेकआउट करना, मतलब रेटिंग प्रोटेक्शन 0 प्लस या फिर 0 माइनस दिखाता है मैच में मरने के बाद, तो वहाँ पे आप प्लस 0 प्लस माइनस दिखाए तो आप जाकर वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। मतलब वहाँ पे दिखाएगा आपका एक मैच कंप्लीट हो चुका, 2 मैच कंप्लीट हो चुका, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्राउन पे नहीं काउंट हो रहा है, एस पे काउंट नहीं हो रहा है, कॉन्करर पे काउंट नहीं हो रहा। अगर आप कॉन्करर लोबी में हो फिर भी ये चीज़ आपकी वर्क करेगी, भाई इवेंट आया है सबके अंदर वर्क करेगा। बस ये मतलब आपको क्राउन एस लोबी पे ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, इसलिए आप मतलब कितना भी दूर जाते हो आपका माइनस लग जाता है एंड आपको लगता है भाई ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, मतलब माइनस आपका लगने का चांसेस एस और
और क्राउन पे ज़्यादा रहता है, बट ये जो कार्ड है भाई यूज हो जाता है उसमें बहुत ही फास्टली, इसलिए उसमें माइनस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो यही रीज़न है कि मतलब आपका जो एस और कॉन्करर लोबी होती है इसमें माइनस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड ये जो कार्ड है बहुत ही मतलब जल्दी से आपके डिवाइस में यूज हो जाता है, आपका जो गेम के अंदर यूज हो जाता है एंड आपको पता भी नहीं चलता है। तो यही रीज़न है, बाकी इसके पीछे कुछ ज़्यादा कुछ साइंस और ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ। आप नेक्स्ट डे आप नोटिस कर सकते हो भाई हमारा कार्ड यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, मतलब इवेंट वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आप और भी इंटरेस्टेड वीडियो देखना पसंद है आप चाहे राइट या लेफ्ट वाली जो वीडियो चाहो वो वॉच कर सकते हो। तो मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।